धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अयोध्या धाम में इस वक्त बहुत ज्यादा भीड़ और बहुत ज्यादा उत्साह है सारे लोगों के अंदर और काफी ज्यादा मजा आ रहा है भाई। इस वक्त ओपनिंग सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है, कल अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है भाई। काफी ज्यादा उत्साह है, मैं आप लोगों को पूरी अयोध्या दिखाता हूँ इसी वीडियो के अंदर। वीडियो के अंदर जुड़े रहिए। तो ये था ट्रेलर भाई, पूरा वीडियो बाकी है भाई, वीडियो देख के जाना। और हाँ, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर लो, अयोध्या घुमाना भी बाकी है आप लोगों। संत महंत सिंह सभी इकट्ठे हो रहे हैं ना, आप जब इन चीजों को देख रहे हैं, जब आपने ये महसूस किया कि ऐसा पल कितने हजारों साल बाद आ रहा है, कितने कितने की कुर्बानी होगी, तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? होप सब बड़े होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी मस्त मस्त मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है हमारी श्री राम जी की धरती से, अयोध्या से भाई। काफी ज्यादा मजा आ रहा है भाई, मजा तो आ रहा है लेकिन अब ना शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आज है 21st का डे। 21st के डे पे सीन पता है क्या है, अभी ना जितना भी रास्ता है सारा कुछ ब्लॉक कर दिया गया। मैं वैसे रेड जोन के अंदर हूँ, मैंने आपको बताया था मैं गुरुद्वारे के अंदर था, तो मैं रेड जोन के अंदर था, तो मैं देख रहा हूँ जैसे जैसी जगह पे ना एग्जिट है वहाँ पे कम से कम 20-30 पुलिस वाले खड़े हुए हैं भाई, अंदर नहीं आंदे रहे अगर किसी पास पास नहीं है तो। मैं तो बाहर जाने नहीं वाला हूँ भाई, मेरे पास पास है नहीं, ताकि आप लोगों ने ढंग से रिकॉर्ड कर सकूं। बाकी मैंने पास के लिए कोशिश करी है, एक मीडिया के भैया हैं उनसे अप्लाई करवाया, तो वो पास अगर मिल गया तो मज़ा आ जाएगा। फिर मैं ना आप लोगों को अंदर से भी जाकर रिकॉर्डिंग करके दिखाऊंगा भाई, सब कुछ अच्छी तरीके से दर्शन करा पाऊंगा भाई। चलो देखते हैं पास मिलता है कि नहीं मिलता। बाकी मैं अभी आपको ना बाहर जो गली है ना, मतलब नज़रबाग से गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड तक रास्ता खुला हुआ है। बेसिकली ये जो रास्ता देख रहे हो वो बाहर वाली गली है, और इससे सीधा जाके रास्ता कई मतलब 2 या 3 किलोमीटर आगे जाने के बाद अयोध्या धाम के लिए रास्ता आता है, और यहाँ से सीधा है हनुमानगढ़ी, और यहाँ से सीधा जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है ब्रह्मकुंड गुरुद्वारे के लिए, और यहाँ सामने ही नज़रबाग गुरुद्वारा भी है। और जितने भी श्रद्धालु अंदर की तरफ है ना, वो बाहर की तरफ जा नहीं रहे क्योंकि कईयों के पास पासेस नहीं है, फिर अंदर आना अलाउड नहीं है भाई। नोटिस करो ये सामने आपको पिलर दिख रहा होगा, सामने लाइट का लैम्प दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और ये धनुष के शेप में बना हुआ है और इसके नीचे लाइट लगी है, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा हुआ है। और ये पूरे इस लाइन में लगा हुआ है सेम, इवन ये पूरी रोड पे लगा हुआ है अयोध्या के मेन मार्ग में भी भाई, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है भाई। सो भाई मैं जा रहा हूँ वापस ब्रह्मगढ़ गुरुद्वारे की तरफ। वैसे तो ये रोड पूरी पैक्ड हो चुकी है, यहाँ अंदर भी नहीं आने दिया जा रहा किसी को, लेकिन दोनों गुरुद्वारे की तरफ वॉकिंग छोड़ा जा रहा है श्रद्धालुओं को जाने के लिए, तो मेरे को आराम से उसके थ्रू आने जाने दिया जा रहा है। और वैसे जो एंट्री गेट पे खड़े हुए ना इस साइड में, वो यूपी के हैं तो वो भी मान जाते हैं रिक्वेस्ट करने के बाद। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ज्यादातर संत महात्मा ही दिखेंगे रोडों पे चलते हुए बस, और कोई नहीं। चलते चलते मैं पहुंच चुका हूं भाई गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड। ब्रह्मकुंड बेसिकली अयोध्या धाम के जस्ट बैक साइड में पड़ता है, और यहाँ पर भी काफी चहल पहल है। आज से ना यहाँ पे पाठ की समाप्ति थी, सो बेसिकली वो था शुक्राने का पाठ, क्योंकि संघर्ष किया था न्यंग सिखों ने भी, तो उनकी तरफ से शुक्राना था और यहाँ पाठ रखा गया था भाई गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड में भाई। और अभी भी लंगर चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। और ये लंगर लगभग 28 तक चलेगा, लगभग 8 दिन तक ये लंगर चलता रहेगा यहाँ पे अयोध्या धाम में। और यहाँ पे ना आज सुबह विश्व हिंदू परिषद के भी हेड आए हुए थे, और इवन जो नियंग सिख थे उनके 7th जनरेशन यहीं पे थी आज सुबह सुबह, जिन्होंने संघर्ष किया था उनकी 7th जनरेशन। सो लेकर आ चुके हैं भाई वापस अयोध्या की गलियों में भाई, काफी ज्यादा रौनक मेला हो चुका है अब, और काफी ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ चुकी है। चक्कर क्या है, अयोध्या के अंदर इस वक्त उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी भी आ चुके हैं भाई, इसके वजह से उनका चार्टर जस्ट अभी लैंड हुआ है, उसकी वजह से भीड़ भाड़ और बढ़ चुकी है और ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ चुकी है भाई। लेकिन ये चीज अच्छी की हम आउटर की तरफ जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है भाई। अभी मैं आप लोगों को राजपथ दिखाने लेके जा रहा हूँ भाई, जो अयोध्या में मेन एंट्रेंस बनी है अयोध्या धाम के लिए, जहाँ से सारे श्रद्धालु आया करेंगे अयोध्या। मैंने कल रात में वो नहीं दिखाई थी, आया मैं उसी रास्ते से था लेकिन मैंने आपको वो जगह नहीं दिखाई थी, आज आपको दिखाने लेके चलता हूँ भाई। सो बाइक तो मैंने पार्क कर दी है भाई नज़रबाग गुरुद्वारे में, अब जा रहे हैं यहाँ से पैदल पैदल आपको पूरा अयोध्या के दर्शन कराने के लिए। चलो भाई चलते हैं। सो लो भाई हम पहुंच चुके हैं अयोध्या की मेन सड़क पे भाई, और यहाँ पे सबसे रौनक मेला है भाई,
वैसे यहाँ पे व्हीकल्स नहीं आने दिए जा रहे हैं किसी के भी, ये लोकल व्हीकल्स हैं जो अयोध्या के लोगों के सिटीजन हैं उनकी भी व्हीकल्स हैं, तो वो अलाउड है। जय श्री राम। और भाई एक चीज और नोटिस करो, ये जितनी बिल्डिंग है सारी सारी सिंगल कलर में है, सारी एक जैसे रंग में है भाई, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। जल्दी यहाँ पे बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटी भी होने वाली है भाई, थोड़ी बहुत देर में ही वो सब भी कवर करेंगे भाई, काफी ज्यादा मजा आएगा। पूरी अयोध्या धाम इसमें रंगी हुई है सच्ची में, भगवा रंग में। अभी लगभग मैं पूरा 2 घंटे बाद निकल के आ रहा हूँ। मैं था अंदर मीडिया ट्रेड सेंटर के अंदर, वहाँ पे अपनी आईडी भी लेके गया, सब कुछ ले गया, लेकिन उन्होंने पास नहीं बनाया। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी, चलो कोई बात नहीं, बाकी आज आपके लिए रिकॉर्ड करते हैं। बढ़िया बढ़िया। अभी ना क्या है, लगातार साउंड चल रहा था तो मैं मुँह से नहीं बोल पा रहा था, पीछे से कॉपीराइट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं इस वजह से। अब मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाता हूँ जो अयोध्या धाम के अंदर ही बनी हुई है, बहुत खूबसूरत। आप पे ना पूरे अयोध्या के यहाँ पे 3D पेंटिंग्स बनी हुई है, 3D है, ध्यान से देखिए, ये सारी 3D है, जंजीरी 3D में बनी हुई है। इवन जो हनुमान जी है बाहर की तरफ उभरे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सी है भाई। और ये सामने जो आप स्तंभ देख रहे हो, ये सूर्य स्तंभ, ऐसे सारे सूर्य स्तंभ पूरे इस पाथ पे लगे हुए हैं, अयोध्या के पाथ पे भाई, और बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं भाई। कहीं पे जय श्री राम लिखा है, कहीं पे हनुमान जी के लिए कुछ लिखा है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है भाई। आपको ध्यान से नजर आ रहा होगा भाई, वीणा बहुत बड़ा, इस जगह का नाम है भाई लता मंगेशकर चौक भाई, काफी फेमस चौक है, यहीं से अयोध्या के लिए एंट्री होती है। वहाँ सामने आप सूर्य देवता की प्रतिमा देख रहे होंगे, यहीं से रास्ता जाता है अयोध्या धाम के लिए भाई, और बहुत ज्यादा रौनक में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। वहाँ पे हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति भी बनी हुई है, बहुत ब्यूटीफुल। आओ चलते हैं सीधा अयोध्या धाम के अंदर की तरफ। तो ये बेसिकली नामधारी समाज के लोग थे जो बेसिकली सिख होते हैं भाई, और वो लोग भी उत्साह के साथ, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, इवन इन्होंने लंगर भी लगा रखा है बहुत तगड़ा यहाँ पे, तो सबके अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह है भाई, इवन सिख में तो बहुत ज़्यादा। पीछे गुरुद्वारे भी यहाँ पे लंगर देखा था, और यहाँ पे भी देखा कितने सारे संगत आई हुई है भाई श्री राम जी के लिए। तो भाई यहाँ देखो, यहाँ कौन आया है, रोड पे कुछ ना कुछ हो ही रहा है भाई, काफी ज्यादा उत्साह है लोगों के अंदर। तो नामधारी बाबा जी ने मुझे माला भी दी है, पहनाई है उन्होंने जस्ते भी अभी मुझे, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, काफी सारा लोगों में उत्साह है। इतना बड़ा सब क्या बनाया भाई? मैंने राम रथ बनाया भगवान जी का, मैं पुणे महाराष्ट्र से आया हूँ। हाँ जी, मैं सबसे पहले मेरे श्री राम सबको, मेरा नाम है विजय राव साहब गायतड़क, मैं धनकोड़ से आया हूँ। आते टाइम मैं ये सोच के आया था, मेरे को ट्रेन का टिकट नहीं मिला, इसलिए मैं राम रथ बना के लाया, क्योंकि मेरे प्रभु की ट्रेन सारी कैंसिल हो चुकी है। इतना प्रभु का भव्य मंदिर बना रहा है, तो मैं भव्यता के साथ राम रथ बना के लेके आया हूँ। इसके साथ मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को भी लेके आया हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म भूमि की जो मट्टी रहती है, हाँ जी, वो मट्टी श्री प्रभु रामचंद्र की मट्टी में सम्मिलित कर दूंगा। हाँ जी, तो जो मेन हिंदुत्व के कट्टर श्री छत्रपति शिवाजी महाराज और हिंदुत्व के जो देवता है, उन दोनों का सम्मिलन हो जाएगा और गले भेंट मिल हो जाएगी, वो माटी में डाल दूंगा। तो इसलिए उन दोनों की भेंट मेरे करनी जरूरी थी, क्योंकि मैं हिंदुत्व छत्रपति शिवाजी महाराज का मावड़ा हूँ और श्रीराम भगवान का एक छोटा सा भक्त हूँ। पूरा पुणे पूरा महाराष्ट्र पे गर्व महसूस कर रहा होगा भाई। ओके, धन्यवाद। उनको धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।
अयोध्या धाम में इस वक्त बहुत ज्यादा भीड़ और बहुत ज्यादा उत्साह है सारे लोगों के अंदर और काफी ज्यादा मजा आ रहा है भाई। इस वक्त ओपनिंग सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है, कल अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है भाई, काफी ज्यादा उत्साह है। मैं आप लोगों को पूरी अयोध्या दिखाता हूँ इसी वीडियो के अंदर, वीडियो के अंदर जुड़े रहिए भाई। थोड़ा सा आगे बढ़ा भाई और मैंने देखा भाई आगे सामने न्यूज रिपोर्टर्स गाना गा रहे थे, बहुत ही बढ़िया, वो भी सुनो भाई, काफी अच्छा लग रहा था। सिया राम जय जय राम, सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम, भाई काफी ज्यादा मजा आ रहा है। जब उन्होंने गाना गाया ना वहाँ पे राम आएंगे तो बहुत अच्छा लगा भाई सच्ची में, और सारे लोग ना उत्साह में आ गए, सब लोग गाने लग गए एक साथ भाई। अभी थोड़ा बहुत और आगे आ चुका हूँ मैं, और मुझे यहाँ पे कुछ यूनिक चीज दिखी है, ये सामने देखो भाई पेड़, पेड़ के अंदर लाइटिंग देखो बहुत खूबसूरत है भाई, बहुत ही खूबसूरत। मतलब ऐसी कोई एक सिंगल जगह नहीं छोड़ी अयोध्या के अंदर जो इस वक्त सज ना रखी हो, बहुत खूबसूरत है पूरी अयोध्या। सही बात है ना, जय श्री राम, जय श्री राम, तेरी नगरी, क्या बात है। जय और से बना मैं आया हूँ आगरा से। अच्छा, अभी एक पंजाब से मंडली आया था, काफी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नामधारी थे वो सब, अच्छा पंजाब से आए थे भाई। पूरी अयोध्या देखो बहुत, हमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हर भगवान का अवतरण होता है तो ठाकुर जी इस समय अर्चा के रूप में ही अवतार ले रहे हैं। सही बात नहीं है, ऐसा ऐसा लग रहा है कि बहुत खुशी, ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी आ रहे हैं। सही बात, उनको अगर तो सिर्फ अयोध्या में ही नहीं बल्कि पूरे देश में लग रहा है कि एक अलग उत्साह है, ऊर्जा भरी हुई, लग रहा है दिवाली वापस आ चुकी है, अलग प्रकार की ऊर्जा जो आज से पहले कभी महसूस की गई देश के अंदर। बहुत हमको और मुझे तो लगता है कि ये ऊर्जा अब लगातार देश के अंदर बढ़ती ही रहेगी, बढ़ती कम नहीं, कम नहीं होगी, क्योंकि भगवान सत श्री अकाल, जब राजा राम विराज जब अपने स्थान पर विराज जाएंगे, हाँ जी, तो उसके बाद में रामायण ने भी लिखा है कि जब जब प्रभु आते हैं तो सब प्रकार से मंगल ही मंगल है। क्या बात है, हमारे देश का भी बहुत मंगल होना बाकी है, बिल्कुल बिल्कुल, सारी तरक्कियां होंगी भाई, जय श्री राम। लो भाई चलते चलते हम आ चुके हैं सरयू नदी के घाट पे भाई, और यहाँ पे बहुत तगड़ा भाई, चलते चलते सरयू नदी के घाट पे हम पहुंच चुके हैं भाई, और यहाँ पे ना आरती होने वाली है बहुत जल्दी, और यहाँ पे ना दिए जलाए जाते हैं एक साथ, बहुत सारे लोग दिए जलाते हैं, प्लस अभी ना यहाँ पे ना मीडिया वाले भी आए हुए हैं, प्लस वाटर का शो भी हो रहा है यहाँ पर, अभी बीच में फाउंटेन शो चल रहा था, अभी जस्ट बंद हुआ है, दिखाता हूँ मैं आपको। चल
भाई आरती से पहले पहले मध्य प्रदेश से भोपाल से कुछ लोग आए हुए हैं जो अभी ड्रम को बहुत तगड़ी तरीके से बजाने वाले हैं। अगर आपको याद होगा केदारनाथ धाम या छत्रपति शिवाजी जयंती पे जैसे ड्रम बजता है ना महाराष्ट्र में, वैसे ये लोग बजाने वाले हैं। अभी अभी आपको दिखाता हूँ, बहुत तगड़ी तरीके से बजाते हैं। भोपाल वालों ने तो झाड़ डाला भाई, बहुत तगड़ी तरीके से बजाया भाई ड्रम, खतरनाक तरीके से भाई, मुझे तो बहुत मजा आया। अगर आपको मजा आया तो जय श्री राम लिखना मत भूलना, है कि नहीं भाई? है कि नहीं? लाइक करो, शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो, थैंक यू, सब्सक्राइब भी कर दो अगर चैनल। अब चलते हैं सीधा गुरुद्वारे की तरफ भाई। मैं आपको आरती नहीं दिखा पाया, चक्कर गया था, मैं मगन हो गया वहाँ पे। भोपाल के लोग इतने प्यार से जो बजा रहे थे भाई, मुझे तो काफी मजा आया। पूरे दिन यहाँ पे कुछ ना कुछ होता ही रहता है, काफी ज्यादा मजा आ रहा है यहाँ पे भाई। घर जाने मन नहीं कर रहा है, मैं सोचो यहीं रह लूँ। अगर आप लोग घर बैठे तो परेशान मत हो, मैं वीडियो सुरेश भेजता रहूंगा। सब्सक्राइब कर लो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तभी तो देख पाओगे भाई। चलो भाई चलते हैं वापस गुरुद्वारे, पहले रास्ता बंद हो गया फिर जाने नहीं देंगे भाई, क्योंकि अभी वीआईपी मूवमेंट और होनी है और कल लास्ट डे है भाई 22 तारीख, उसके बाद तो सब नॉर्मल लोग आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलो भाई, लेकिन तब भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस मंथ में नहीं, नेक्स्ट मंथ में आना भाई, ताकि आप आराम से दर्शन करवाओ, या तो उसके बाद भी आना और तसल्ली से आना चाहो तो, बाकी आपकी मर्जी, लेकिन नेक्स्ट मंथ से पहले मत आना। चलो भाई चलते हैं। सो भाई मैं वापस आ चुका हूँ ब्रह्मकुंड गुरुद्वारे, जहाँ मुझे रात में रुकना है भाई।
आराम करने का टाइम आ चुका है, पर उससे पहले पहले एक छोटी सी झलक दिखा दूं मंदिर की, प्रभु श्री राम जी के मंदिर की। भाई अभी तक मैं आपको नहीं दिखा रहा था, पता है क्यों? क्योंकि ऐसा था जहाँ से मैं दिखा रहा था ना वहाँ से इतनी क्लैरिटी नहीं आ रही थी ढंग से, पर अभी बिल्कुल एग्जैक्ट मैं बैक साइड में हूँ मंदिर के और यहाँ से पूरा क्लियर विजुअल दिख रहा है। और जो ये मंदिर है ना, मतलब ज़्यादातर लोगों ने फेक डाल रखा है, एक्चुअल जेन्युइन ही डाल रखा है, पर ये जेन्युइन मंदिर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। ये देखो सामने भाई, बहुत ही खूबसूरत। इसकी तीन लेयर्स हैं, ऊपर की दो लेयर्स तो आपको दिख रही हैं मंदिर की, पर जो नीचे वाली मंजिल है ना वो नहीं दिख रही अभी आपको। रात का तो नज़ारा ले लिया आपने मंदिर का, सुबह का नज़ारा और करवाऊंगा आपको। बहुत खूबसूरत है भाई मंदिर, जय श्री राम भाई। जितने भी भक्त देख रहे हैं जय श्री राम लिखना मत भूलना भाई। चलते हैं वापस गुरुद्वारे।